नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। आइए मित्रों, आज हम लोग जो है संसद के विषय में जो है चर्चा करते हैं मिलकर के। तो संसद जो है देखते हैं, संसद के विषय में संविधान में क्या क्या उल्लेख है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके विषय में जो है हम लोग जो है चर्चा करते हैं भारतीय संसद। तो संसद या पार्लियामेंट, संसद का वर्णन किसमें है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। अब हम देखते हैं आगे जो है संसद जो शब्द है, ये संसद शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से। संसद शब्द किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद जो संसदीय व्यवस्था है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है ब्रिटेन से हुई थी। संसद शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की शुरुआत, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, तो संसदीय व्यवस्था की शुरुआत जो है ये ब्रिटेन से मानी जाती है। संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन, तो राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा चीज हमको याद रखना कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के तीन अंग। संसद के कितने अंग, संसद के तीन अंग होते हैं जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षा में आते हैं जो है सवाल। तो संसद के अगर पूछेगा कि कितने सदन हैं, तो संसद जो है, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग हैं जो है तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने अंग, तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने सदन, दो, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे समझिए कि एक मकान है, वो संसद है, क्लियर। अब उसमें दो कमरे हैं, तो एक कमरा जो होता है वो जो है राज्यसभा, और एक कमरा जो होता है वो लोकसभा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है आप लोग समझ सकते हैं। संसद में जो है, संसद एक मकान है जिसका संयुक्त नाम संसद है, और उसमें एक कमरा लोकसभा होता है और एक कमरा राज्यसभा होता है। तो संसद के कितने सदन, दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने अंग, तो जो है संसद के तीन अंग होते हैं, जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से। संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ब्रिटेन से हुई। अब हम देखते हैं जो है हमारे देश में संसद का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, तो हमारे संसद, राष्ट्रपति भवन, संसद, ये सबका निर्माण जो है कौन किया था, तो लुटियन और बेकार्ड ने किया था। तो संसदीय, संसद का जो निर्माण हुआ है या राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण हुआ है, वो आसपास जितने भी बिल्डिंगें हैं उस समय की, वो ब्रिटिश काल में जो है लुटियंस और जो है बेकार्ड ने जो है किया था। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी, हम लोग समझे। संसद शब्द फ्रेंच भाषा से, संसद के कितने सदन, दो, लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से, ब्रिटेन से मानी जाती है। और संसद के कितने अंग हैं, तो तीन अंग हैं, याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है संसद के कितने अंग, तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद का वर्णन जो है किस अनुच्छेद से शुरू होता है, तो अनुच्छेद 79। अब हम आते हैं सदन के विषय में। तो जो है संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो हम लोग सबसे पहले जो है राज्यसभा के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग लोकसभा के। तो दोनों के विषय में पहले हम एक स्थायी, बहुत ही सामान्य सी जानकारी पढ़ लेते हैं। जो है जो राज्यसभा है, ये जो है अनुच्छेद जो है 80 में है, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। अब जो है राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, यह कभी भंग नहीं होता। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, और यह कभी भंग नहीं होता, स्थायी है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा, एक सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं, लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। लोकसभा जो है भंग होता है, यह 5 साल के लिए इसका चुनाव होता है। इसके लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, ठीक है, हर 5 साल में प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। बीच में अगर सरकार भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाता है, तो जो है
मध्यावर्ती चुनाव होता है, ठीक है। और ये अस्थायी सदन है, भंग होता है, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। इसे जनता का सदन कहते हैं क्योंकि जनता इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। इसे जो है अप्रत्यक्ष सदन इसलिए कहते हैं कि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग नहीं लेती, इसके सदस्यों के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, ठीक है। और इसके जो है सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। तो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के विषय में एक सामान्य सी चीज़ देखें। अब हम लोग एक एक करके पहले राज्यसभा, उसके बाद पुनः जो है लोकसभा के विषय में चर्चा करते हैं। तो हम लोग पहले जो है राज्यसभा के विषय में चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा के विषय में आते हैं, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिए कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता। इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, यह अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा, उच्च सदन, अप्रत्यक्ष सदन, अस्थायी सदन, और यह भंग नहीं होता है, इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यानी इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80। किस अनुच्छेद में है? तो 80। अब हम देखते हैं राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? तो 250। 250 सीट अधिकतम हो सकती है, जिसमें 238 सीट जो है वो राज्यों से आते हैं और 12 सीट जो है इस पर जो है राष्ट्रपति नामित करता है सदस्यों को। परंतु वर्तमान में कितनी सीट है? ये अधिकतम है। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250, जिसमें राज्यों से कितना आएंगे? तो 238, और राष्ट्रपति कितना नामित करेगा? तो जो है 12। परंतु वर्तमान में अगर पूछा जाए कि इस समय अभी राज्यसभा में जो है कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 245 है। कितनी है? 245। और उसमें राज्यों से जो आते हैं वो राज्यों से जो आते हैं वो 233 आते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति नामित करता है। राष्ट्रपति आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है साहित्य कला विज्ञान के विशेषज्ञ सदस्यों को जो है प्रतिनिधित्व देता है राज्यसभा में। तो वर्तमान में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा की सीट जो है ये है 245, और जिसमें 233 सीट जो है राज्यों से आते हैं, और 12 जो है राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोनों होते हैं। समझिएगा ध्यान से, 245 सीट में 233 सीट जो है ये राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से भी आते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है। तो 233 सीट जो है ये राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं, और जो है 12 सीट जो है 12 सदस्यों का नामांकन जो है ये जो है राष्ट्रपति करते हैं, नामित उनको कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हम लोग इसको समझ गए, अधिकतम संख्या 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। 245 में 233 जो है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। अब हम देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन जो है कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो वही जो राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे, तो जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की रीति भी वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। राज्यसभा के जो 233 सदस्य हैं इनका जो है जो निर्वाचन होता है ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, ठीक है। और जो है ये इसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं जो चुन करके आते हैं निर्वाचित होते हैं, इनमें वोट कौन मतलब भाग लेता है इनके वोट में? तो ये जो है राज्यों की विधानसभा के सदस्य, जिस राज्य में राज्यसभा की जितनी सीट होगी वहाँ के विधानसभा सदस्य जो होते हैं वही जो है चुनाव में भाग लेते हैं, और वही राज्यसभा के जो है सांसदों का चुनाव करते हैं। यानी सामान्य भाषा में अगर समझिए तो जो है विधानसभा के विधायक लोग, एमएलए लोग, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधायक लोग या एमएलए लोग करते हैं। राज्य के जो एमएलए होते हैं विधानसभा में वही लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, विधानसभा के जो नामित सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो विधानसभा के नामी सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को जो है जरूर है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब
सवाल ये उठता है कि तो ये जरूर याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यों की विधानसभा के सदस्य या राज्यों के MLA। ठीक है, अब किस राज्य में जो है कितनी सीटें राज्यसभा की होंगी, यानी कितने सांसद राज्यसभा के किस राज्य से चुन के आएंगे, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो चौथी अनुसूची में मिलता है। किस राज्य से, किस संघ शासित क्षेत्र से कितने सांसद राज्यसभा में आएंगे, इसका वर्णन कहाँ है, तो चौथी अनुसूची में है। तीसरा अगला चीज़ ये आपको जानना है कि किसी भी राज्य से राज्यसभा सदस्य होने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा का कहीं से भी सदस्य बन सकता है, वहाँ का निवासी या डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है ये असम से चुने गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है, वो कहीं से किसी राज्य से जा करके राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद जो है अब ये सवाल उठता है कि किस राज्य से जो है कितने जो है सांसद चुने जाएंगे, तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है जनसंख्या। किस राज्य से राज्यसभा में कितने सांसद चुने जाएंगे, राज्यसभा के कितने सांसद चुने जाएंगे किस राज्य से, इसका आधार है उस राज्य की जनसंख्या। अब इसमें एक खास बात आपको याद रखना है कि उस राज्य की जनसंख्या अगर 50 लाख तक है तो वहां से हर 10 लाख पर एक सदस्य। किसी राज्य की जनसंख्या अगर 50 लाख के अंदर है तो वहां से हर 10 लाख पर एक सदस्य, लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर जब होती है तो हर 20 लाख पर एक सदस्य चुने जाते हैं। किस राज्य से कितने राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इस बात का निर्धारण ये किया जाता है कि अगर उस राज्य की जनसंख्या 50 लाख तक है तो हर 10 लाख पर एक सदस्य, लेकिन 50 लाख से जब ऊपर होती है तो हर 20 लाख पर एक सदस्य जो है ये चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप पहले पढ़े हैं, फिर से जान जाइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा स्थायी है, परमानेंट है। तो राज्यसभा स्थायी है, परमानेंट है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो है हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी हर दूसरे साल एक तिहाई सदस्य राज्यसभा के जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। इसको इस तरह समझिए कि जैसे राज्यसभा में मान लीजिए जो है 60 सीट है, ठीक है, तो राज्यसभा में अगर 60 सीट है तो उसका चुनाव इस प्रकार किया गया था शुरुआत में कि जो है 20 20 20 ये तीन हो गए, यानी इनका चुनाव जब हो गया उसके जो है 2 वर्ष बाद इनका, उसके 2 वर्ष बाद इनका, ठीक है। तो ये अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, ये दोनों बने रहेंगे, फिर ये पूरा करेगा, ये दोनों बने रहेंगे, फिर ये पूरा करेगा और ये दोनों बने रहेंगे, यानी 2/3 सदस्य राज्यसभा में हमेशा बने रहते हैं। क्लियर, 2/3 सदस्य जो है राज्यसभा में हमेशा जो है बने रहते हैं, ठीक है, राज्यसभा में 2/3 सदस्य बने रहते हैं। हर दूसरे वर्ष जो है, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। तो फिर से समझिए इसको, इस बात को, जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1/2 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्लियर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। अब 6 वर्ष है, लेकिन ये याद रखना है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे साल होता है, ठीक, 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे साल होता है, इस बात को जरूर याद रखिए। और जो है बाकी 2/3, जैसे 1/3 सदस्य रिटायर हो गए, उनका चुनाव हो रहा है, परंतु वर्तमान उस समय तत्कालीन समय में 2/3 सदस्य तो बने हैं, फिर वो जो है उसमें से 1/3 अगले 2 साल बाद, फिर उसमें 1/3 अगले 2 साल बाद, तो इस तरह से जो है एक सिस्टम बन गया है
जो है कि राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल बाद जो है एक तिहाई रिटायर होते हैं, फिर हर 2 साल बाद एक तिहाई, और जो रिटायर हुए उनका चुनाव होकर के फिर आ जाते हैं, फिर वो अपना 6 साल का पूरा करेंगे। तो 6 साल पूरा करने के बाद हर दूसरे वर्ष जो है एक तिहाई सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, अगर राज्यसभा के सदस्य मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो मर गया, ठीक है, 3 साल पूरा होने के बाद मर गया, तो उसकी जगह जो चुनाव होगा, जो नया सदस्य चुन के आएगा, वो मात्र 3 साल के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि वो फिर 6 साल पूरा करेगा, वो कितने शेष अवधि के लिए होगा। जैसे उपचुनाव जब होगा, जैसे राज्यसभा का कोई सदस्य है उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो मान लीजिए 3 साल पूरा किया है, 3 साल बचा है, तो जो नया सदस्य आएगा वह जो है मात्र 3 साल के लिए ही आएगा, क्योंकि कार्यकाल तो 6 साल है, तो 3 साल शेष समय के लिए ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो फिर से चुन के आया है नया तो जो है 6 साल पूरा करेगा। जो उपचुनाव होता है वो शेष अवधि, शेष जो है सालों के लिए ही जो है होता है। अब आगे हम देखते हैं जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो उपराष्ट्रपति के जो है टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जो है उपसभापति, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति पदेन होता है, और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन वो करता है, ठीक है। उपसभापति जो होता है इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ। तो राज्यसभा की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ लगभग लोकसभा के समान है, ठीक है। अगर कोई विधेयक आता है तो लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा, ठीक है, उसके बाद वो जो है अधिनियम बनता है, ठीक। तो विधायी शक्तियाँ दोनों की बराबर हैं। वित्तीय शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। वित्तीय शक्तियों में जो है सारा का सारा पावर लोकसभा को दिया गया है, राज्यसभा को सिर्फ परामर्श करने का अधिकार है, परामर्श देने का अधिकार है। 14 दिन तक वो जो है रख सकता है किसी विधेयक को, फिर वो अपने आप पारित हो जाएगा। यानी वित्त या धन या रुपया पैसा से संबंधित जो भी विधेयक होगा उसको लोकसभा पास करेगा और राज्यसभा के पास भेजेगा। राज्यसभा उस पर सिफारिश कर सकता है, वो लोकसभा मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर वो 14 दिन रखेगा, 14 दिन बाद वो धन विधेयक या वित्त विधेयक या रुपया पैसा से कर से संबंधित जो भी विधेयक है वो पास हो जाएगा। यानी राज्य जो है धन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, रुपया पैसा संबंधी, कर संबंधी जो भी विधेयक होता है उस पर पूरा का पूरा पावर जो है लोकसभा को है, राज्यसभा को सिर्फ जो है परामर्श देने का अधिकार है। और जरूरी नहीं कि जो परामर्श देता है वह लोकसभा जो है माने उसको, ठीक है। तो परामर्श सिर्फ देने का अधिकार है, जरूरी नहीं कि लोकसभा उसको माने। अधिक से अधिक वह 14 दिन तक विधेयक को रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो वित्तीय शक्तियों में लोकसभा को ज़्यादा पावर है। उसके बाद जो है संविधान संशोधन में, तो संविधान संशोधन में हालांकि राज्यसभा के कम सदस्य हैं, लोकसभा के ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो लोकसभा में अलग से बहुमत से और राज्यसभा में अलग से बहुमत से पास होता है, इसलिए जो है दोनों की जो है संविधान संशोधन के मसले पर दोनों की बराबर शक्तियाँ हैं, क्योंकि वहाँ भी 2/3 बहुमत से पास होगा और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होगा। तो बिना राज्यसभा में पारित हुए, पास हुए वो अधिनियम बनेगा नहीं, इसलिए जो है विधायी शक्तियाँ दोनों की लगभग लगभग जो है विधायी शक्तियाँ समान है, संविधान संशोधन की शक्ति समान है। वित्तीय शक्तियों में थोड़ा सा जो है अंतर आता है, ठीक है। आपातकाल में भी जो है लोकसभा अगर जो है सिफारिश करती है, लोकसभा पास कर देती है, तो वो राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। आपातकाल में भी राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है, अलग अलग जो है, ठीक है। अब उसके बाद जो है विशेषाधिकार, राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार हैं, उसमें 2 अनुच्छेद आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अनुच्छेद 249 ये कहता है कि किसी भी राज्य सूची के विषय पर अगर कोई ऐसा विषय है, ऐसा क्षेत्र है जिस पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन अगर राज्यसभा अपने बहुमत से यह पास कर दे कि यह राष्ट्रीय महत्व का, इस पर राष्ट्र संघ सरकार केंद्र सरकार कानून बनाए, तो वो जो है राज्य सूची के विषय पर संघ को, संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। फिर से समझिए, अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर लोकसभा यह पास कर दे कि इस पर जो है संसद कानून बनाए, यानी जो है लोकसभा या राज्यसभा संसद कानून बनाए, केंद्र सरकार कानून बनाए, संघ सरकार कानून बनाए, तो कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार के पास चला जाता है। राज्यों के बजाय किसके पास चला जाता है? संघ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। यानी राज्य सूची के विषय पर
जो है अगर राज्यसभा ये पारित कर दे कि इस पर जो है संघ सरकार केंद्र सरकार कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, तो उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसे मिल जाता है, वो राज्यसभा को लोक संसद को मिल जाता है। क्लियर। अब जो है दूसरा चीज़ याद रखना है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 यह कहता है कि जो है जो अनुच्छेद 312 ये कहता है कि जो है अखिल भारतीय सेवा गठित करने का अधिकार किसे है, तो राज्यसभा को। नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा को है। जैसे अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा जो है निर्मित करने गठित जो बनाने का अधिकार जो है राज्यसभा को जो है है। अभी वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, IAS, IFS और IPS। ठीक है, तो अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो उस पर किसे पावर दिया गया है, तो राज्यसभा को विशेषाधिकार दिया गया है। तो राज्यसभा के विशेषाधिकार अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। तो हम लोगों ने जो है राज्यसभा के विषय में देखा, आगे के जो है हम लोग जो है अब जो है लोकसभा के विषय में जो है देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।